कुलकर्णी ने तुर्बे में शुरू कराया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, 200 युवाओं और छात्रों ने लिया हिस्सा, पुलिस भर्ती में बनेगा मददगार। स्लम इलाके के छात्र एवं युवा भी अब पुलिस भर्ती के लायक बन सकेंगे। शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने तुर्बे स्टोर में एक ऐसा ही पुलिस प्रशिक्षण केंद्र शुरू करा दिया है, जहां एक्सपर्ट झोपड़पट्टी के युवाओं को पुलिस बनने का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। केंद्र के संस्थापक और शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि आज बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है और पढ़े लिखे बच्चे घर बैठे हैं, उनके लिए पुलिस प्रशिक्षण अगले महीने होने वाली पुलिस भर्ती में मददगार बनेगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि झोपड़पट्टी के ज्यादा से ज्यादा युवा भी पुलिस भर्ती में चुने जाएं। मैं सर्वप्रथम तो मैं आघाड़ी सरकार का दिल से आभार करता हूं। उस जगह पे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब रहेंगे, हमारे आदरणीय शरद पवार साहब है, पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है और गृह खाते के मंत्री हमारे देशमुख साहब है। उन्होंने इस जगह पे 12-13 हज़ार लोग का आज भर्ती निकला। आज बहुत सारे महाराष्ट्र में बेकारी बढ़ गए, उस जगह पे भर्ती निकल के बहुत अच्छे काम हो गए। आज बहुत सारे बच्चे आज घर पे बैठ के, उस जगह पे हम लोग का विचार हो गया तो कल चलो अपने यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर ओपन करेगा, तो उस जगह पे बच्चे लोग आएंगे, यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे। कल दिसंबर में भर्ती है, वो भर्ती का उसका ज़्यादा से ज़्यादा करके लाभ लेंगे बच्चे लोग को, वो उद्देश्य हम लोग ने ये ट्रेनिंग का सेंटर ओपनिंग किया आज। अभी तो यहाँ पर आज 150-200 बच्चे लोग तो आए ले ही, और लड़की भी बढ़ेंगे इस जगह पे और बच्चे लोग भी है। बहुत सारे बेकारी बच्चे आज बेकार है, आज काम धंधा नहीं, नौकरी नहीं। आज सरकार का सर्वप्रथम हम लोग सर आभार मानता हूँ मैं उनका, कि इतना बड़ा पैमाने से भर्ती निकाला उन लोग ने पुलिस का। मैं सरकार का, आघाड़ी सरकार का दिल से आभार मानता हूँ। और हमारे इधर जितने भी झोपड़पट्टी परिसर के वो आके यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे, दिसंबर में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को जितना बच्चे लोग जाएंगे उसका हम लोग प्रयत्न करेंगे। बता दें कि नवंबर में किसी नगर सेवक द्वारा प्रारंभ किया गया यह अब तक का सबसे बेहतरीन कार्यक्रम है, जो छात्रों एवं युवाओं को कैरियर बनाने में मददगार बनेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के ट्रेनर ने जहां आयोजकों का आभार जताया, वहीं संयोजक महेश कुलकर्णी ने कहा कि आज नवंबर में कहीं भी पुलिस ट्रेनिंग केंद्र नहीं है, जिसे प्रशिक्षण लेना होता है उन्हें मुंबई जाना पड़ता है। ऐसे में झोपड़पट्टी के युवाओं को भी मुफ्त पुलिस प्रशिक्षण मिल सके, इसके लिए हमने यह केंद्र प्रारंभ किया है। माझा असं म्हणणं आहे की जे आता कोविडच्या सिच्युएशनमध्ये जे आपल्या नवी मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र पोलीसवरती जो ताण आला आहे आपल्याला, जेवढे आपण पोलीस कर्मचारी जेवढे आहेत आपले सगळेच लोक 18-18 तास 12-12 तास, त्यामुळे आपल्या सरकारने निर्णय घेतला आहे महाभरतीचा पोलीससाठी। आणि त्या आपल्या एरियामधूनही काफी म्हणजे खूप लोक होते असे ज्यांचं म्हणणं होतं दादा आम्हाला सुद्धा ट्रेनिंग वगैरे आहे, पण त्यांच्याकडे काही सुविधा नव्हती, त्यामुळे आपण हे पूर्णपणे फ्री ऑफ कॉस्ट जितके लोक जितके पोरं त्यांना नोकरी वगैरेचं पण आहे किंवा पोलीस ट्रेनिंगसाठी ते लोक पण म्हणतात दादा आम्हाला इथे खूप लांब जायला पडतं आहे, पनवेलला आहे किंवा चेंबूरला आहे, पण आम्हाला इथे तिथपर्यंत जाऊ शक्य नाही आहे, त्यासाठी आपण हे पूर्णपणे फ्री ऑफ कॉस्ट हे ट्रेनिंग कॅम्प फक्त आपल्या लोकांसाठी ठेवलं आहे। आणि ज्याला कोणीही आपल्या इथे यायचं असेल ट्रेनिंग कॅम्पसाठी, इट इज ऑल लाईक 7 दिवस, कधीही तुम्ही या, फक्त संडेला 1 दिवस ऑफ आहे, तुम्ही बाकी वेळी कधीही येऊ शकता। मी पण नवी मुंबईचा एक सदस्य आहे, नागरिक आहे, आणि सरांनी मला सांगितलं होतं की तुर्बे शहरमध्ये
मुलांच्या म्हणजे मुलांच्या काळजीपोटी किंवा तिकडचे जे मागासवर्गीय जे लोक आहेत मुलं आहेत त्यांना कुठेतरी स्कोप मिळावा म्हणून त्यांना मदत करावा म्हणजे काहीतरी गाईडलाईन करावा ग्राउंडबद्दल. तर मी स्पोर्ट्समॅन सुद्धा असल्या कारणाने असं वाटलं की आपण त्यांना सपोर्ट करू शकतो. जर जे माझ्याकडे नॉलेज आहे मी त्यांना देऊ शकतो आणि पोलीस भरतीसाठी त्यांना सपोर्ट करू शकतो त्या सगळ्या गोष्टींसाठी. म्हणून मी त्यांच्या शब्दापोटी इथं आलेलो आहे शिकवायला. मी ह्याआधी 2014-15 खोपर खेळण्याला 10 मुलींना शिकवायचो आणि 6 मुलांना शिकवायचो. त्यातून 10 9 मुली भरती झाल्यात आणि 6 मुलं त्यात मी स्वतः भरती झालो आहे. नेरुळमध्ये पण मला एकदा बोलवलं होतं पण मी स्वतःच्या त्या गोष्टींच्या कारणांमुळे नाही गेलो. मला जेवढे मुलं कमी असतील तेवढे व्यवस्थित शिकवता येतील. आता मला असं वाटतं मी शिकवू शकतो सगळ्या मुलांना व्यवस्थित, म्हणून आलो पुन्हा शिकवायला. माना जा रहा है कि इस प्रशिक्षण का सबसे बड़ा लाभ अगले महीनों में होने वाली पुलिस भर्ती में मिलेगा. युवाओं को यहां फिटनेस, दौड़ या मेंटल तैयारी कराने के साथ ही उन दस्तावेजों की भी जानकारी दी जाएगी जो पुलिस भर्ती के लिए बेहद जरूरी होते हैं. यहां शामिल युवाओं ने प्रशिक्षण शुरू कराने पर शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी के प्रति आभार भी जताया. ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया. लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें.